माने रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ अलग तरह का नाश्ता। इसके लिए हमने लिया है एक बाटी पोहा। और इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और अब इसको हम मिक्सी के अंदर पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दरदरा पीसना है। और साथ ही साथ हम लेंगे दो आलू। आलू को हमें क्या करना है, बारीक करके कट करना है इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको भी हम पीस लेंगे। हमें कच्चा आलू लेना है, ना कि उबला हुआ। ये देखिए, एक वाटी पोहों के लिए दो कच्चे आलू लेंगे हम। ये देखिए, अब हमारा कट मार के हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी जार में डालेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हम दो लेंगे हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इन तीनों को एक साथ मिक्सी के अंदर पीस लेना है। ये देखिए, अब हमारा पीस के हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पोहों के अंदर इसको मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर हाफ वाटी पानी लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी को ऐड करते हुए मिक्स करेंगे इस तरह से, और इसका एक डो बना लेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे मसालों को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और साथ ही साथ इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों की मदद से क्रश करके डालेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और बारीक कटा हुआ धनिया। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा डब बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके हमको इसको अच्छी तरह से गूंदना है। देखिए इस तरह से। जब ये हमारा आटा गूंद के हो जाएगा तो हमको इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, और ऑयल डाल के फिर से गूंदना है। जब ये हमारा गूंद के रेडी हो जाएगा तो हम इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। ये देखिए, अब हमारा गूंद के हो चुका है। अब हमने इसको 10 मिनट साइड में रख दिया था। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका एक पेड़ा लेके ऐसे गोल गोल करके इसको बेल लेंगे। आटे में डिप करके हम इसको बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से, एक किनारे से इसमें थोड़ा थोड़ा फट रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक कौन से भी डब्बे का ढक्कन लेके इसके ऊपर ऐसे मार के गोल गोल इसका परोटा बना लेंगे, ताकि दिखने में भी अच्छा दिखे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। तरह से अब यह हमारा परोटा एकदम परफेक्ट गोल बनेगा और दिखने में भी अच्छा दिखेगा। ये देखिए इस तरह से। जो बाकी का बचा हुआ आटा है उसका भी हम गोल पेड़ा बना के और एक परोटा बना सकते हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा, पोहे और आलू का परोठा। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, तवे पर थोड़ा सा तेल डालेंगे
और तवे को थोड़ा एक 5 मिनट गर्म होने देंगे। जब हमारा तवा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर हमारे परोठे को ऐड करेंगे। चलिए अब हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम हमारा परोठा ऐड करते हैं। इसको अच्छी तरह से सेक लेना है। जब अच्छी तरह से एक साइड से सिक जाएगा तो हमें और थोड़ा ऑयल ऊपर से लगाना है। और हम क्या करेंगे, इसको और एक बार थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अब हम पलट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अब एक साइड से हमारा थोड़ा थोड़ा सा परोठा पक चुका है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको पका लेते हैं। इसको हमको अच्छी तरह से पका पका के सेकना है ताकि हमारा परोठा कच्चा ना रहे। चाहिए तो आप इसके ऊपर ऊपर से घी भी ऐड कर सकते हैं, घी डाल के भी सेक सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें दबा दबा के अच्छी तरह से इसको सेक लेना है ताकि हमारा परोठा चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए इसके ऊपर कैसे अच्छे अच्छा दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है। खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा, इसलिए अब हम क्या करते हैं इसको निकाल लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से सीख चुका है। अब हम ऐसे ही करके दूसरे भी परोठे को सीख लेते हैं। इसको भी ऐसे ही दोनों साइड से अच्छी तरह से दबा दबा के सेकना है। जब ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर का दिखने लगे तो हम इसको निकाल लेना है। अगर ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हमारा परोठा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।